पिताश्री भी न जाने कहां कहां चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इसी का नाम परिश्रम है। यूं कमंडल फेंकने से कोई लाभ नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम तपस्या है। पिताश्री तपस्या करने गए हैं, हमारी तपस्या भी कठोर है, तो फिर चले तपस्या करने। आले कमंडल, मेरा मतलब है चल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं। आओ चले। जयति गुरु शुक्राचार्य। पिताश्री श्री के भी पिताश्री है, इस संपूर्ण जंगल के पिताश्री है, वनराज सिंह की दहाड़ है। श्री को तो ढूंढना ही पड़ेगा, प्रहलाद को दैत्य शिक्षा दिलवानी ही पड़ेगी, नहीं तो परिश्रम पूरा नहीं होगा। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पिताश्री दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पिताश्री, कहाँ कहाँ देखे। निर्बुद्धियों, मूर्खो, तुमने हमारी मंत्र सिद्धि की सारी साधना विफल कर दी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें यहां आने की? हम तुम्हारे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर स्मरण रखोगे। पिताश्री, यदि हम इस समय यहां पर नहीं आते तो भी आप हम पर क्रोधित अवश्य होते। क्यों? क्योंकि जिस प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व तो आपने हमें सौंपा है, उससे शिक्षित करना हमारे वश में नहीं है। वो तो स्वयं हमें पढ़ाता है। उसके हृदय में दैत्यों के प्रति तुलनीय भी सम्मान नहीं है। वह तो विष्णु और विष्णु भक्ति के गुण गाता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें करता है जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है पिताश्री। दैत्य शत्रु नारद ने उसे भ्रमित कर दिया है। हमें ज्ञात हो गया है कि नारद ने ही कयादु को इंद्र के हाथों से बचाकर उसे अपने आश्रम में शरण दी थी। उसी ने विष्णु भक्ति का गुणगान करके गर्भस्थ बालक प्रहलाद को उस भक्ति से संस्कारित किया था। तो अब क्या होगा पिताश्री? इन अमंगलकारी संस्कारों से प्रहलाद को मुक्त कराने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। तो अब आप हमारे साथ आश्रम चलें? हाँ पिताश्री, आप हमारे साथ आश्रम चलिए, आपके चलने से ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। कैसे चलें? पर अब यहां रहकर भी क्या करेंगे? मंत्र सिद्धि की साधना विफल करके तुमने अनर्थ कर दिया। हमें आशंका है कि कहीं दैत्यों पर कोई विपत्ति ना पड़े। चलो शीघ्र मति शीघ्र चले पिताश्री। हरी हरी जन्म लेकर तू देवताओं का गुणगान कर रहा है, दैत्य बालकों को भी उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें यहां दैत्य कुल की शिक्षा के लिए लाया गया है और तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। चल। बालक प्रहलाद के सात्विक विचार, पवित्र भावना और विष्णु भक्ति से असंतुष्ट व क्रुद्ध होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो विष्णु भक्ति से विमुख होकर दैत्य संस्कृति से प्रभावित होकर दैत्य वृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। इन्हीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर
हिरण्यकश्यप अपनी सेना सहित निर्दोष प्राणियों व ऋषि मुनियों को पीड़ित, भयभीत और आतंकित कर जय घोष के मध्य पुनः अपने महल में प्रवेश करता है। महाप्रतापी, महाबली, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। महाप्रतापी, महाबली, दैत्यराज हिरण्यकश्यप की। प्रणाम माता। चिरंजीव, दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है, इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहें। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रुओं का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म तथा विश्व भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है। इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विश्व भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ते दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दे पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। प्रहलाद के प्रभु भक्तिपूर्ण वचन सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंडित करने के साथ साथ सेनापति दुंदुभिन्ननाथ को आज्ञा दी कि प्रभु भक्ति में निमग्न रहने वाले ऋषि मुनियों के जीवन को अस्त ध्वस्त करने के लिए पुनः उन पर आक्रमण करे। स्वामी की आज्ञा मानकर दुंदुभिन्ननाथ ने निर्दोष ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट कर उनके आश्रम चला दिए। पीड़ित ऋषिगण त्राहिमाम त्राहिमाम कर भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त उनके पास अन्य उपाय नहीं था। कश्यप के भयंकर राक्षस हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, वो हम पर भी प्रहार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम यज्ञ का शुभ कार्य करें। हमारी रक्षा करें देवेश्वर। राक्षस हमारे आश्रम उजाड़ रहे हैं प्रभु। निर्दोष महात्माओं के प्राण तक हरण कर रहे हैं ये राक्षस। प्रभु रोकिए इस अनर्थ को, आप तो शरणागतों के उद्धारक और दुखियों के तारणहार हैं।
यदि आपके भक्त जनों पर असुरों का अत्याचार होगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? असुरों द्वारा उत्पन्न इनके संकटों का अंत करें स्वामी। ऋषिगण, आप सभी की पीड़ा ने हमें पीड़ित किया है, किंतु दुविधा यह है कि जब तक आसुरी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती तब तक उसका अंत होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके अत्याचारों का अंत होगा। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने आश्रम जाएं और पूर्ववत धर्म ध्यान में मन लगाएं। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। स्वामी, आपने ऋषिगण को कुछ उपाय करने का आश्वासन दिया है, वह उपाय क्या है स्वामी? देवी पार्वती, हम चाहते तो हैं कि कुछ उपाय करें। आपके चाहने से हिरण्यकश्यप के राक्षस अत्याचार कैसे रोक देंगे? इसके लिए तो आपको कुछ करना ही होगा स्वामी। देवी, तुम हमारी अर्धांगिनी शिवा होने के साथ साथ शक्ति का अवतार भी हो। तुम्हारे इंगित मात्र से बड़ी और भयंकर से भयंकर तम दुष्ट शक्तियां नष्ट हुई और हो सकती हैं। फिर भी आश्चर्य है कि तुम हमारे उपाय के प्रति शंकित हो। नहीं स्वामी, आपके उपाय के प्रति शंकित होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी कि हिरण्यकश्यप की गति का अंत समय आ गया अथवा समय शेष है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकटाचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकटाचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकटाचार्य प्रकट हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकटाचार्य प्रकट हो। मैं उपस्थित हूं भोलेनाथ, मुझे कैसे स्मरण किया? क्या आज्ञा है मेरे लिए? शुक्राचार्य, तुम हमारे आराधक हो, ये सत्य तो सारा जग जानता है। भोलेनाथ, तुमने आराधना करके हमसे मृत संजीवनी विद्या तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, ये भी सत्य है, किंतु खेदजनक और लज्जाजनक भी है। क्या इन शक्तियों विद्याओं और सिद्धियों को तुमने इसीलिए प्राप्त किया है कि अपने दैत्य शिष्यों को शक्तिवान बनाकर उनसे निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करवा सको, उनके यज्ञ कार्यों में बाधा पहुंचा सको, उन्हें पीड़ित कर सको? नहीं महेश्वर, नहीं, ऐसा सब होने में मेरी सहमति अथवा समर्थन सर्वथा नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारा शिष्य हिरण्यकश्यप और अन्य असुर तुम्हारे प्रति सम्मान, आदर और गुरु भाव नहीं रखते। ऐसा भी नहीं है महेश्वर। तो फिर कैसा है? उनके कुकृत्यों और दुष्कर्मों में तुम्हारी सहमति भी नहीं है और वे तुम्हारा आदर भी करते हैं, तो फिर तुमने उन्हें रोका टोका क्यों नहीं? निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो हम ये क्यों ना मान ले कि तुम ही हिरण्यकश्यप और असुरों को ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हो? नहीं कैलाशपति, नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि सत्य क्या है? केवल इतना ही महेश्वर कि मैंने दैत्यराज को दैत्य शत्रुओं से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दैत्य गुरु होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। ये तो बताएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दैत्य शत्रु किसे मानते हैं? दैत्य शत्रु तो वे तो देवी, इस समय दैत्य शत्रु की परिभाषा जानने से कोई लाभ नहीं। यदि हम दैत्यों को दुष्कर्मों से रोकते हैं तो हम भी दैत्य शत्रु की सीमा में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेश्वर? संपूर्ण दैत्य जाति तो आपके उपासक है, वे आपसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं?
आज वे हमारे उपासक हैं, किंतु समय के साथ सत्य बदल भी सकता है। नीति में मतभेद होने और उनकी दुष्वृत्ति का विरोध करने पर सत्य के बदलते समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। और यह भी तो हो सकता है कि दैत्यों के दबाव में आकर आपको उनका समर्थन और हमारा विरोध करने पर विवश होना पड़े और हम दैत्य शत्रु मान लिए जाएं, वैसा ही जैसा जलंधर के समय हुआ था। उत्तर नहीं दे पा रहे हो शुक्राचार्य, किंतु अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। आज्ञा करें महादेव। तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप को सावधान कर दे कि वह धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा देवाधिदेव।